हो चुका है मनाली ट्रिप वाला, तो ये चक्कर ही है, ये रही जो मैं राइड करने वाला हूँ, और निंजा आ रही है हमारे साथ, और आ रही है हमारे साथ ड्रीम, और अभी शोएब भाई अपने वाले बाइक का देख रहे हैं, और मेरे बाइक पे देखो कितने बैग है अभी, बाकी भी हमने यहाँ से निकल रहे फुल पावर। मिलते हैं आपसे आगे पहुँच कर। अभी हम चलते हैं अपनी राइड पे ऊपर वाले का नाम लेके। तो फर्स्ट टाइम मैं ब्लॉग कर रहा हूँ कि इतना दूर जाके ब्लॉग करना। अभी जम्मू का मौसम आप देखिए, यहाँ पे बारिश दिखाई हुई है अभी, बट हो नहीं रही है। अभी हम चलते हैं फुल पावर, हमारा दूसरा फ्रेंड है वो भी आने वाला है, आशिक। तो गाइस अभी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी गाइस हम ये लगा रहे हैं इस पे क्योंकि येलो लाइट होनी चाहिए। ये देखो ऑन करके कैसे लग रहे हैं अभी। तभी तो जा रहे हैं हम बर्फ के लिए, तो जा रहे हैं। कोई आसान काम नहीं यहाँ से मनाली जाने का ना, कोई टेंशन नहीं। 400 बेटा जी अभी इधर ही है भाई, दूर है भाई, चल। तो फाइनली गाइस अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं घूमर के लिए, थोड़ा सा काम कराना है मेरी वाली बाइक में, इसमें आगे नंबर प्लेट लगवानी है, और इसमें थोड़ा ये फोन का स्लाइडर देखो, ये देखो ये थोड़ा लूज हो चुका है, इसको टाइट करना है पूरा कि मैं आगे बात भी कर सकूं, ठीक है। अभी हम चलते हैं यहाँ से फुल पावर। अभी जो बारिश है वो बहुत गंदी वाली हो रही है, तो अभी हम बारिश में ही निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि आगे का कोई सीन पता नहीं है क्या सीन होने वाला है। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि अगली वाली नंबर प्लेट लगवानी है मुझे, उसके बाद निकलते हैं हम फुल पावर यहाँ से। तो अभी हमारी बाइक में काम हो चुका है, मेरे को मडगार्ड लगवाना था वो भी लगवा दिया इस वाली बाइक में, और नंबर प्लेट आगे का वो भी लग चुका है, क्योंकि आगे रोकना नहीं चाहिए, नंबर भी हमने लगा दिया आगे। अभी हम निकलते हैं यहाँ से ऊपर, अभी हमको लेने यहाँ से थोड़े से रेन कवर खुद के लिए, वो भी चल जाएंगे। फाइनली अभी देखिए हम यहाँ से निकल रहे हैं, सारे फोटोग्राफ कर रहे हैं, तीनों बाइक रेडी हो चुकी है, ये देखो अभी यहाँ का माहौल। बैठे बाइक पर, फाइनली हम आए हैं अभी बाइकों को फिल करने, रिफिल करने, तो देखते हैं अभी। तो फाइनली गाइस अभी हमारी बाइक में तेल हो चुके है तीनों में फुल, तो अभी हम निकल सकते हैं यहाँ से फुल पावर। ज्यादा तेज नहीं चलाना है मुझे, अभी थोड़ा सा रोड अच्छा है अभी तक, यहाँ तक जो रोड है ना वो थोड़ा ऑफ रोड ही है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी जगह काम लगा हुआ है, आप देख सकते हो, ज़्यादा नहीं 80-90 चल रहे हैं अभी, तो इतना सारा रोड साफ आ चुका है, और जो नीचे वाला है बहुत आगे निकल चुका है। भाई सीन ये हुआ, बोल रहे नॉर्मल चलने के लिए 100 प्लस जा रहे हैं अभी स्पीड में, क्योंकि इनके पास 400-400 सीसी बाइक के दोनों के पास है, और मैं 200 पे हूँ। ये देखो कच्चा रोड स्टार्ट हो गया इतना सारा। भाई ब्रेजा मुझे सबसे बेस्ट गाड़ी लगती है, क्योंकि ये मारुति की पहली गाड़ी जिसमें सनरूफ आता है, और ये सबसे बेस्ट लगती है मुझे ब्रेजा। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से फुल पावर। तो गाइज अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं तीनों बाइके, बट मेरी हालत अभी ठीक है, मैं तो लगा मेरी ज्यादा खराब होनी है, बट ज्यादा नहीं खराब हुई अभी। और ये देख बताइए क्या बताइए, तुम पीछे क्यों रह रहे हो बताओ पहले, साथ साथ में क्यों नहीं रह पा रहे हो भाई, 200 सीसी 400 400। हाँ वही टेंशन है, वही ब्लॉग में भी वही बोल रहा था कि मैं इसके बाद 200 सीसी की बाइक है, ज्यादा है ना, ज्यादा है इसमें 42 का बीएसपी है इसमें, 24 है, 24 है यार, फिर भी बेचारी 135 जा रही है, अब उससे ज्यादा काम भेजो, इतनी इतनी हमारी भी इतनी चलती है। तो गाइस अभी
निकल रहे हैं हम, मैं ये वाली बाइक चला रहे हूँ। शेर भाई ने बोला था 390 चलाओ, बट मैं नहीं चलाने वाला क्योंकि इसमें थोड़ा कम्फर्टेबल हूँ मैं, तो मैं ये चला रहा हूँ। और बैग मैंने पीछे रहा ना रखा ना, मुझे ठंड लग रही है, मैं बैग आगे लाने वाला हूँ वापस से। ये देखो बैग सामने लाया ना, थोड़ा कंफर्टेबल फील हो जाता है। अभी मैं बाजू भी उतारने वाला हूँ नीचे। फाइनली गाइज हम पहुंच गए लखनपुर, और मैं करता हूँ लाइटें बंद क्योंकि ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे बैठी ही होगी, वो तो कंफर्म है, कोई सीन ना हो जाए, इसलिए आराम से चलते हैं यहाँ से। लखनपुर 2 किलोमीटर यहाँ से दूर, उसके बाद हम आगे रुकने वाले हैं पूरा प्रॉपर। ये देखो यहाँ पे लखनपुर में कैसे गाड़ियाँ रुकी होती है। ये लखनपुर का मार्केट है, पूरा मार्केट देखो लखनपुर का। तो अभी देखो यहाँ से हम निकलते हैं, आई थिंक पता नहीं वेट करना है या निकलना है। यहाँ पे तो ट्रिपलिंग हो रही है अभी, वो देखो यार किसको पकड़ रहा है। अभी होने वाली है हमारी सिम बंद, अब चलने वाली है सिम यहाँ पे पोस्टपेड, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, वो देखो कैसे निकल गए कहाँ से। ये देखो लखनपुर का नाका फाइनली क्रॉस कर दिया हमने, तो यहाँ पे हमारी सिम बंद होने वाली है। और मेरे पास एक एडिशनल सिम है जो प्री एंड पोस्ट है, वो चलनी है इसके बाद। अभी हम यहाँ पहुंचे हुए, तो मैंने मैप लगाया हुआ है और अब मैं आगे निकलने वाला हूँ धर्मशाला 101 किलोमीटर। भाई थोड़ा तो जगह छोड़ लो। तो अभी हम फुल पावर निकल चुके हैं, मैप भी हमने लगा लिया, और मजा भी आ रहा है चलाने में, बाइक चलाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है अभी। मैंने पहले फोन माउंट जो है ना इसको टाइट बिल्कुल करवाया, क्योंकि मुझे पता था आगे खड्डे आने वाले हैं, बाइक चलानी है, तो इसलिए मैंने पहले इसको टाइट करवा लिया बहुत ज्यादा। तो अभी चलते हम फुल पावर यहाँ से। तो भाई ये देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ से, पुल इस साइड एक ब्रिज है, यहाँ पे हाईवे है उस साइड है, लास्ट वाला ट्रेन वाला ब्रिज है, एंड पे जो है वो ट्रेन वाला ब्रिज है। तो कितना मजा आ रहा है चलाने में बाइक अभी, क्योंकि मैंने पूरा फिट हो चुका हूँ, कि एयर जो आती है ना कम, बहुत कम अंदर आ रही है, हेलमेट में से आ रही है बाकी कहीं से नहीं आ रही है। हेलमेट मेरे को चेंज करनी थी, बट अभी पैसे नहीं थे उतने कि हेलमेट चेंज कर लूँ, तो एग्जॉस्ट की लेनी थी मुझे। ओ भाई लाइटें बंद, पुलिस पोस्ट के पास पहुंच चुके हैं हम। ये यहाँ पे अगर रोक लिया ना, यहाँ पे हमारा जैंड ये खत्म हो रहा है, और हम पहुंच चुके हैं पंजाब में, पठानकोट पुलिस आ चुकी है यहाँ पे। ये देखो पंजाब पुलिस एंटर कर चुके हैं हम, पंजाब में हम आ चुके स्टेट। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं पंजाब में, फाइनली पहुंच के हम पंजाब, और पंजाब से होते हुए हमको जाना है हिमाचल के लिए, और मेरी बाइक का पूरा बना नहीं है, बाकी बाइक पीछे
भाई पुलिस के सामने मैं लाइटें ऑफ रखता हूँ क्योंकि हमको कोई सीन नहीं चाहिए, बट इस थार को देख के ऑन करनी पड़ी यार। थार में देखो ना क्या मॉडिफाइड करके रखी है इन्होंने। यहाँ से हमारी सिमें बंद होने वाली है क्योंकि ना कॉल आने वाली है ना कुछ, क्योंकि अभी थोड़ा एक दो किलोमीटर तक रेंज आती है तो वहाँ तक चल जाएंगी, उसके बाद नहीं चलनी है। गाइस अभी गूगल मैप जहाँ से दिखा रहा है हम वहीं से जा रहे हैं, तो लाइटें ऑन हो चुकी है गाड़ियों की क्योंकि यहाँ से थोड़ा कम दिख रहा है। वो तो दिखा रहा है ये 95 किलोमीटर दिखा रहा है, अभी हम 92 किलोमीटर चल चुके हैं, 95 अभी भी है। तो मैंने रीसेट किया हुआ था, जब मैंने तेल डाला था बाइक में तब मैंने इसको रीसेट किया हुआ था। अभी 79 किलोमीटर और चलना है तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है अभी। फाइनली गाइज हिमाचल भी पहुंच चुके हैं हम, तो हिमाचल की जो SRTC बस है वो भी मिल चुकी है हिमाचल वाले रोड पे, तो अभी हम फाइनली हिमाचल भी पहुंच चुके हैं पंजाब को क्रॉस करके। तो अभी हम फुल पावर चल रहे हैं, अभी ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे आँखों में क्योंकि मैंने मिरर खोल के रखा हुआ है। पाँच बजे हम जम्मू से निकले थे, अभी कितना टाइम हो गया, 4 बजे निकले थे सॉरी, तो अभी हो चुके 7, ठीक है 7 घंटे में हम, अभी 3 घंटे में हम धर्मशाला पहुंचने वाले, अभी 40 किलोमीटर बचा हुआ धर्मशाला, वहां से 220 किलोमीटर मनाली है, कल दिन हमको 220 किलोमीटर चलना है और मनाली में बर्फ पड़ रही है इस टाइम बहुत ज्यादा, हमें पता करवाया था कि वहां पे बर्फ पड़ रही है बहुत ज्यादा, तो अभी हम जा रहे हैं आराम आराम से ही। पहले तो हमको धर्मशाला ही जाना है और नाइट स्टे वहां करना है, तो कल निकलते हैं वहां से। तो गाइस अभी मेरी बाइक ABS नहीं है, देखो थोड़ी सी ब्रेक मार दो इतनी स्किट हो रही है टायर, इतना स्किट हो रहा है टायर कोई हद नहीं है। अभी हम कोई छोटी सी जगह पे पहुंचे, इधर का नाम तो पता नहीं है, इधर का नाम कुछ भी पता नहीं है क्या नाम है इस जगह का। तो देखो भाई हिमाचल में है, जम्मू में नहीं है, ध्यान से चलो। तो अभी हम पहुंचे हुए चोगन नाम है कुछ बाजार का, तो वहां भी पहुंचे हिमाचल में। तो ये देखो यहाँ पे बस स्टैंड भी बना हुआ है, बाकी के जो बाइकर है वो आगे निकल चुके हैं, मेरा गला भी बैठ गया है पता नहीं क्यों। मंडी पालमपुर, फाइनली पालमपुर वाले रास्ते पे पहुंच गए। तो गाइस अभी बाइक चेंज होने वाली है, मैं चला रहा हूँ अब KTM, बुलफ मैंने निंजा वाले को दे दी और निंजा चला रहा है शोएब भाई। फाइनली हम आ चुके अभी ड्रीम पर, ड्रीम पे एक चीज है कि ABS है दोनों, तो टेंशन नहीं है मुझे, जो BS4 वुल्फ थी हमारी उसमें ABS नहीं है तो मैं उसका डर रहा था। तो गाइस बारिश इतनी तेज पड़ रही है इस टाइम कोई हद नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ बाइक इसका जो टायर है वो ज्यादा स्किट हो रहा है, तो मैं ज्यादा भी नहीं भगा सकता, लीन नहीं मार सकता, स्ट्रेट भगा सकता हूँ, ज्यादा बेंडिंग नहीं मार रही मुझे। इधर क्या हो गया, रुकना पड़ेगा क्या? तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं एक जगह पे, यहाँ से धर्मशाला 10 किलोमीटर है, बट हम वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि हमको सीधे कल स्ट्रेट निकलना है। तो अभी यहाँ पे एक होटल मिला हुआ है हाईवे एंड रेस्टोरेंट, अभी यहाँ पे हम पूछते हैं रूम का, अभी हम रिसेप्शन पे पूछते हैं रूम का पर नाइट कितना होता है।
भैया रूम दो चाहिए थे, दो हैं अवेलेबल है, कितना चार्ज होता? पांच है, पांच पांच बंदे हैं हम, पांच बंदे तो हमें रूम लेने पड़ेंगे फिर ना। हाँ, दो रूम लेने पड़ेंगे आपको तो ठीक है, एक रूम पड़ जाएगा आपको 1600 रुपए का, बिल ब्लोर होगा ना, ब्लोर लगा होगा, एसी बिल ब्लोर। पहले रूम ही चेक करेंगे, सोच रहे हैं कि ना भाई सारे पांच पांच के पांच फ्रेंड्स होंगे ना एक ही रूम में, है ना, तू क्या बोल रहा है? वो तो बेटर है एक ही जगह, लेकिन मैं बेटर है तो चलो चलते हैं। अभी हमें भैया रूम दिखा देते हैं, अब यहां से धर्मशाला ना 10 किलोमीटर दूर था, तो हमने सोचा हमें मनाली के लिए अगर जाना है तो फिर धर्मशाला जाने वाली कौन सी बात है ना। हां वो तो है ही, तो यहां से 10 किलोमीटर क्या बात कर रहे हैं आप, पांच बंदे नहीं है, मजे से आ रहे हैं। इसमें एक्चुअली एक में डालने हैं, हैं एक एक रूम में डाल नहीं सकते पांच बंदे हम, रूम तो चलो कोई बात नहीं, एक ही फ्लोर में दोनों रूम, जैसे तुम देख पा रहे हो आज रात को हम शायद यहां से वो करना है, तो फाइनली अभी हमने रूम ले लिया, डॉक्यूमेंट अपने वापिस, रूम ही भूल गया मुझे, इससे ऊपर आया यार, मैं इस वाले में घुस गया था रेस्टोरेंट में 101।